गुड मॉर्निंग बच्चों, आज जो है दूसरी इकाई का पाठ 7 है, जिसके अंतर्गत रहस्य है, यह लेसन ले रहा हूँ, जिसके लेखक जो है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी हैं। तो आइए डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का विषय में थोड़ा संक्षेप में जानिए। इनका जन्म जो है 1940 नागौद मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 14 नवंबर 2013 में हुई थी। इनकी रचनाएं हैं संपूर्ण बाल, विज्ञान कथाएं आदि। परिचय। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। आपने मतलब डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। और इस गद्यांश में लेखक कहना क्या चाहता है उसके विषय में जानिए। मैं प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। चलिए आगे आते हैं। अब क्या कहानी है सुनो। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कपोल माने झूठी, यह झूठी कल्पना है। कल्पना मतलब सोच विचार। और कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया था। मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। हवेली मतलब बहुत बड़ा सुंदर भवन है। आजकल जो फ्लैट बोलते हैं, बांग्ला बोलते हैं, उसको शुद्ध में हिंदी में क्या बोलते हैं, हवेली भवन को बोलते हैं। भवन में बहुत संपन्न लोग या राजा लोग का ही मकान हवेली जैसा होता था। तो चलिए, मतलब हवेली में जो है पहले जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उसे मैंने उस तरफ कोई आता जाता नहीं है। एक बार घिसु उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। खाट मतलब चरपाई। आर्यन करवटे बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के गांव के पास एक विदेशी जो है मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। कमर कस ली मतलब निश्चय ठान लिया। और अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठा कर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने
कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए, पुल बांधना मतलब बढ़ा चढ़ा करके विशेषता करना। तो मामा जी ने जो है कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है, तस्वीर माने चित्र खींच लेता है मतलब ले लेता है, और कमाल का लैस लगा है इसमें, किसमें, कैमरा में। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। ये दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। रहस्य मतलब जो उस क्या बोलते हैं हवेली में भूत वगैरह की बातें चल रही थी, यह एक रहस्य ही था। इसका पता लगाने के लिए वो लोग के लिए यह समय अच्छा था। अंधेरा रात अंधेरा रात होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी, अंदर से हंसी और कहकहों मतलब आपस में बातचीत करने की आवाज़ें जो है सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। दबे पांव मतलब बहुत आस्ते आस्ते धीरे धीरे करके, माने आवाज़ पैर का नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं दबे पांव। तो दबे पांव जो है वह हवेली की ओर चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, माने हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली हुई थी। खिड़कियाँ जो थी कैसी थी, माने नीचे से बंद थी और ऊपर से खुली हुई थी। अब बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। हट्ठे कट्ठे मोटे तगड़े और बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। कहाँ? उस बड़े कमरा में जो हवेली के अंदर था, और उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आँखों से आग बरस रहा था, माने बरस रही थी, और आँखें लाल लाल थीं। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उसके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी, बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए मतलब झुके हुए। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए। तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। वे परेशान उठे मतलब परेशान हो गए। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। आंखें खुली की खुली रहना मतलब आश्चर्य का ठिकाना नहीं होना। बोले, तो क्या यह भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत हैं। देखिए न, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत ऊत की अफवाह है, कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता
तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलिए। मुझे इस मामले में ऐसा कहा। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह में, माने इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी, इनका पैसा है, पैसा है, माने क्या बोलता है थानेदार इन बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स से, मतलब गार्जियन से, कि इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से, माने हवेली में जो लोग डाकू रह रहे थे, यह थोड़ा दिन से नहीं, कई वर्षों से, मतलब डकैती करते थे, माने छिनैती करते थे। राह जनी, राह माने रास्ता, जनी माने लोग, माने राह रास्ते चलते लोगों का ये लोग जो है डकैती करते थे, यही इनका पेशा है, पेशा मतलब धंधा, रोजगार। रोजगार है, धंधा है, आ रही बात आप लोग को समझ में, कि मतलब यही इन लोग का धंधा है, मतलब यही इनका रोजगार है, यही इनका पेशा है। तो कई वर्षों से इनकी जो है तलाश की जा रही, माने पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इनकी तलाश, माने खोज कई वर्ष से की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया है। खून पसीना एक करना मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करना, मेहनत करना, और शाबाश, मतलब बच्चों को शाबाश बोलते हैं, शाबाशी देते हैं। तुम्हें दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, बहादुरी मतलब साहस का काम किया है। कहाँ हैं थे, कहाँ है ये, आप तैयारी कीजिए। मैं पुलिस वाला बोलता है बच्चों से कि आप जो है बहुत बहादुरी का काम किए, कहाँ हैं ये, मतलब ये सब कहाँ है, चलिए। तब वो बच्चे बोलते हैं, आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। उस रात जो है, उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा, दोनों ओर से गोलियाँ चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए, हथियार डाला मतलब समर्पण करना, समर्पित किए, और उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए, क्योंकि भूत अलग टाइप के होते हैं, लेकिन ये तो इंसान थे और डकैती मारपीट का काम करने वाले थे। जब ऐसा गांव वाले देखे तो वह आश्चर्यचकित हो गए, मतलब विस्मित हो गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए, माने सब लोग जान गए कि ये सब भूत नहीं, डाकू हैं, और पुलिस वाला पकड़ लिया तो मुक्त हो गए। मुक्त होना माने आज़ाद हो गए, फ्री हो गए, स्वतंत्र हो गए, माने सब गांव वाले जो है डाकुओं के आतंक से स्वतंत्र हो गए। और जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। माने जिला कलेक्टर, जो डीएम कहते हैं इंग्लिश में, तो कलेक्टर को ही डीएम बोलते हैं, जो जिला का मालिक होता है, अधिकारी होता है। तो यह जो है क्या किया, आर्यन, जो जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनका नाम जो है राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस किसको कहते हैं, 26 जनवरी को, माने आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। माने ऐसा ये बच्चे काम किए कि इनको जो है राष्ट्रपति के हाथों 26 जनवरी के दिन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने का जो है योजना ये डीएम, जिला अधिकारी ने बनाया, किसके माध्यम से, राष्ट्रपति के हाथों के द्वारा। इस तरह से यह लेसन आज का कंप्लीट होता है। सिर्फ इसका पूरा लेसन पढ़ने से यही भाव निकलता है, सारांश यही है कि आज के युग में जो है लेखक यही कहना चाहता है कि अंधविश्वास से दूर रहो, सिर्फ जो है मेहनत करो और ईमानदारी करो। ईमानदारी को कर माने मेहनत करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, न कि यह सब अफवाह का, अफवाह जो करता है उसमें जो है वह मतलब प्रगति
नहीं कर सकता, इसलिए अंधविश्वास से दूर होकर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अच्छे मार्ग पर चलने का हरदम प्रयास करना चाहिए। यही मतलब इस कहानी के माध्यम से जो है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे अपना विचार प्रस्तुत कर रहे थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।